स्टार्क अनलिमिटेड। एक मिनट, स्टार्क अनलिमिटेड मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? नहीं नहीं, आयरमैन बैचलर पार्टी में नहीं आएंगे। नहीं, आप खुद उनसे ही पूछ लो। स्टार्क अनलिमिटेड कृपया प्रतीक्षा करें। स्टार्क अनलिमिटेड, नहीं मैम, आपको 4 नंबर चाहिए होंगे। स्टार्क अनलिमिटेड कृपया प्रतीक्षा करें। दुविधा के लिए खेद है, लेकिन क्या आपने जे लो कहा था या जे लॉ? खैर छोड़ो, मैं कॉल ट्रांसफ़र कर रही हूँ। फ्यू, जब भी बारिश होती है मूसलाधार होती है। क्या मिस्टर स्टार्क आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? स्टार्क और मेरी प्रतीक्षा शायद ही कभी, पर अगर उसने अभी तक उम्मीद नहीं की है तो उसके लिए वो खुद दोषी है। जो मुझे लगता है उसे मज़ा आता होगा। तभी उसमें कुछ गड़बड़ी होती है और वहाँ टोनी स्टार्क का होलोग्राम आ जाता है। टोनी, लोकी, मैंने ऐसा क्या किया जो ये दिन देखने मिला है? लोकी, टोनी, तुम पे ये पेंसिल स्कर्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब मैं लड़की बनता हूँ तो ज़्यादातर मोटे कपड़े पहनता हूँ, पर न्यूयॉर्क में काफ़ी गर्मी है अभी, विशेष रूप से तब जब तुम एक जमे हुए बंजर भूमि पर शासन कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या है, पर यहाँ ऐसे आना ये तो कुछ ज़्यादा हो गया तुम्हारे लिए। अभी ये मेरा घर है, कभी कभी ये एवेंजर्स का घर होता है। मुझे पता नहीं कि तुम्हें पता होगा या नहीं, पर तुम मेरे दुश्मन हो। ये पूरी बिल्डिंग को ऐसा बनाया गया है जो तुमसे लड़ सके, और इसके लिए मैं पहले दिन से ही इंतज़ार कर रहा हूँ। और लोग मुझे ड्रामेबाज बोलते हैं। लोकी, स्टार्क प्लीज़, मैं यहाँ सिर्फ बातें करने आया हूँ। चलो अच्छा है, क्या तुम अपने एक कदम दाएँ हो गए? मेरे दाएँ? खैर रहने दो, मैं देख लेता हूँ इसकी। तो तभी अचानक वो ऊपर चला जाता है। ऊपर पहुँचते ही उसके सामने टोनी स्टार्क छोटी सी कॉफ़ी बड़ा सा बंदूक लिए उसको सामने रहता है। टोनी, ठीक है लोकी, चलो बातें करें। लोकी, सलाह चाहिए एक राजा को दूसरे राजा से। मैं यहाँ का राजा नहीं हूँ। क्या वाकई? टोनी, देखो, हालांकि हाल ही में तुमने दुनिया बचाई है, ना कि बर्बाद की है। 3 शब्द है तुम्हारे पास ये बताने के लिए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसके बाद मैं बेडसी ऑन कर दूंगा। नाइटिव, ये मजाक कर रहा है। आयरमैन किसी को मारता नहीं है, वो एक सच्चा सुपर हीरो है, इसलिए ये शायद काम कर जाए। लोकी, थॉर ने भेजा है। जरूर उसी ने भेजा होगा। उस बड़े से पहाड़ की बस तुम एक कमजोरी हो। मुझे फिर से जिम स्टार्ट करना चाहिए। तो बताओ, कैसे हैं हमारे नए परम पिता? लोकी, लंबी कहानी है। बीता हुआ कल, हॉल ऑफ ऑल नोइंग, लाइब्रेरी ऑफ गॉड्स। थॉर, कोई कहानी बताते हुए, जहाँ वो हमेशा खुशी खुशी रहा। नैरेटिव, ठीक है, ज़्यादा लंबी भी नहीं है, पर कुछ समय का तो है पक्का। थॉर लोकी से पूछते हुए, तो तुम्हें कैसी लगी तुम्हारी ये कहानी? लोकी, मुझे लगा था कि अंत तक मैं मर जाऊँगा। थॉर, पर यही तो मज़े वाली बात है। लोकी की किताब उसके भाग्य की रचना है, लेकिन तुम्हें हमेशा एक अच्छा अंत मिला। लोकी, अरे हाँ, बहुत खूब। नॉर्म स्टोन्स अब जम रहा है ऐसी जगह जहाँ दैत्यों के वास हैं। किसी दिन वो मुझे खाकर वहाँ के नए राजा बन जाएंगे। हाँ, पर वो अलग की बात है। थॉर, लोकी, क्या तुम देख नहीं सकते कि ये कितना अच्छा तोहफा है? हम लोग रैग्नारॉक की इस संरचना को तोड़ दिए हैं, हम और तुम साथ में। तुम अब नेक दिल हो, तुम अब बुराइयों के देवता नहीं रहे और ना ही उन विध्वंसियों के। लोकी, और कोई कहानी नहीं मुझे लगता है? जैसा कि ओडिन के मैजिक बुक में मेरी कहानी खत्म हो चुकी है। अगर मैं इन में से कुछ नहीं हूँ तो फिर क्या हूँ? थॉर, तुम एक राजा हो लोकी, और मेरे भाई, और इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा। अरे भगवान, ये तो सीरियस है। लोकी, अरे भगवान, ये तो सीरियस है। थॉर, मैं अपने काम की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन रिटायर होने के लिए मैं अभी बहुत गबरू जवान हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं वो करूँ जो तुम कर रहे हो, अपने साम्राज्य पे अच्छे से राज्य कर सकूँ, और ज़रूरत पड़ने पर मिडगार्ड को भी अपनी सेवाएं दे सकूँ। मुझे एवेंजर का हिस्सा बना लो। टोनी चौंकते हुए, उस पर थॉर ने क्या कहा? थॉर जोर से हंसता हुआ, लोकी, उसने तुमसे पूछने कहा, सब झूठे हैं। तभी नाइटमेयर डायमेंशन, सीरियसली मेगन? जैसा कि हर दिन तुम सुबह उठते हो और साबित करते हो अपने आप को कामकाजी इंसान के रूप में, जबकि तुम 8 घंटे तक नरक में बिताए हो, जहाँ तक आपके मन और शरीर को पता है कि ऐसा होने के दौरान एक बुरा सपना पूरी तरह से वास्तविक है। आप गिरते हैं, आप भागते हैं, आप मरते हैं, और आप इसे बंद करने के लिए कुछ कॉफ़ी पीते हैं और ऐसा प्रयत्न करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही ना। ऑफिसर, तुम ऐसे कैसे हेंडरसन अकाउंट संभालोगी अगर तुम्हारा फाइल्स हर बार सांप में बदलते रहे तो? लड़की, मुझे माफ़ करना, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी सर, ये क्या है? तभी वहीं से नाइटमेयर निकलते हुए, मैं वो बर्फ़ वाले को मार दूंगा। ये फॉस्टी की बात कर रहा है। ऑफिसर, अच्छा अब समझ आया, मैं सपना देख रही हूँ। नाइटमेयर, तुम काफ़ी चालाक हो,
मुझे लगा कि औसत दर्जों के बिना चेहरे वाले कार्यालय पुरुषों की सेना विश्वसनीय होगी। गर्ल चौंकते हुए, मैं सपना देख रही हूँ, इसलिए ये सब मुझे चोट नहीं पहुँचा सकता। मैं अपने बेड से उठूंगी रॉबिन के बाहों में, फिर नाश्ता बनाकर काम पे जाऊंगी। नाइट में उसे चुप कराते हुए, दरवाजे बात नहीं करते। शुक्रिया तुम्हारा दरवाज़ा। तभी अंदर से आवाज़ आती है, प्लीज़ मुझे चोट मत पहुंचाओ, मेरी पत्नी बाथरूम में है और वह पुलिस है और तुमने मुझे चोट पहुंचाई। तभी नेट में उसे रोकते हुए, चोट पहुंचाओ? पर तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, तुम्हें तो काफ़ी यकीन था। बेशक मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूं, मैं मानवता का वो हिस्सा हूं जो मानता है कि तुम चोटिल हो। मेरी दृष्टि मुझे सब दिखाती है कि तुम रात में क्यों जागते हो। मेगन लोइब, डायना एंड फिलिप्स की बेटी, रॉबिन की पत्नी, तुमने मुझे ये जागती दुनिया में लाया जो लोकी का खेल का मैदान है। यहाँ मैं उसे टॉर्चर करूँगा, जो उसने मेरे साथ किया उसके लिए, फिर उसे बिथेर दूंगा। मैं शुक्रगुजार हूँ और इसके लिए तुम्हें जीवन दान देता हूँ, पर मैं भी वो नाइटमेयर हूँ, इससे तुम्हारा जीवन एक बुरा सपना होगा। क्या होता अगर तुम उस दिन पार्टी में नहीं गई होती? लड़की, तुम्हें कैसे पता? नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नाइटमेयर, खुदा हाफिज़, हम एक दूसरे को कभी नहीं भूलेंगे। नाइट, सबका बुरा सपना अलग अलग होता है। लड़की, रॉबिन मेरी जान। नैरेटिव, किसी के लिए उसके दांत का टूटना हो सकता है, किसी के लिए गर्म हवा का झोंका हो सकता है, और किसी के लिए कुछ वो हो सकता है, सबसे सरल से सरल या घिनौना। कर, मैं सपना देख रही हूँ, ये सब एक सपना है। नैरेटिव, जैसे कि टूथब्रश जिससे लगता है कि वो दो है पर वो नहीं है। लोकी, हाँ तो एवेंजर्स, मैंने सुना है कि हाल ही में तुमने डॉक्टर स्ट्रेंज को इसमें शामिल किया, लेकिन अगर तुम्हें एक उचित जादूगर की आवश्यकता हो तो बताना, मैं उसे रास्ता ज़रूर बताऊंगा। मैं नेतागिरी भी करता हूं, तो कभी अगर कैप्टन अमेरिका नहीं रहे तो भी मैं काम आ सकता हूं। वाह, ये काफ़ी चमकीला है ये। टोनी उसे डांटते हुए, हे उसे वापस रखो, ये टुकड़ा इतना ज़रूरी क्यों है? ये एक गाड़ी है, इसका हर टुकड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा अच्छा, मैं इसे वापस रख रहा हूं। नेगेटिव, सच में मजाक कर रहा था। लोकी, मुझे माफ़ करना, मैं महान टोनी स्टार्क को एक कार बनाने से रोक रहा हूं। टोनी फिर से बना रहा, जो सूरज की ऊर्जा से चले और ज़्यादा महंगा भी ना हो, और इसमें स्टार्की भी है, डिजिटल सहयोगी है एक, जो आजकल हर स्टार्क फोन में रहता है। ये मेरी जान है, आयरन मैन से ज़्यादा लोगों की जान बचाएगा ये। ये कुछ ज़्यादा हो गया। टोनी, मैं टोनी स्टार्क हूँ, ये तो आम बात है। मैं इसे ऑटोमेटिक नैनो फोटोनिक वैक्यूलर लग्जरी या फिर द एनविल से बुलाऊँगा, और मुझे ये कुछ घंटों में ख़त्म करना है ताकि मैं बाकियों को भी दिखा सकूँ। लोकी, तुमने अपने वाहन का नाम एक अचल वस्तु के नाम पर रखा है? सुनो, ये ट्रेडमार्क का जो कानून है वो थोड़ा अलग है। तुम्हें क्या, वैसे भी मैं अब तक तुमसे क्यों बातें कर रहा हूँ? तुम एवेंजर के लिए आवेदन लेके आए थे, आवेदन अस्वीकार किया जाता है। लोकी, पर मैं तो एवेंजर कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक अवैध आकाशीय कैसीनो को भी नष्ट किया। मेरा कोई अवैध कैसीनो नहीं है। वाह, बहुत खूब, अच्छा प्रयास था। रुको, तो फिर मैं किसका कैसीनो बर्बाद कर दिया? टोनी, पता नहीं। ओप्स, ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। लोकी, पर मुझे तो लगा कि वो तुम्हारा है, मैं वहाँ लड़ा भी। नेगेटिव, मैं अभी ना। लोकी, मैं तब देखो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? नेगेटिव, किसी को पता ही नहीं चल सकता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर जब मैं सच बोलता हूँ तो मानो जैसे मेयोमियत किसी ट्रॉल के सिर पर लगा हो। वैसे स्टार्क को भरोसा तो हो गया, पर वो मुझ पर भरोसा नहीं करता। स्टाफ, ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा वो उड़न खटोला उड़ाने के लिए। ओके, जहाज। स्टाफ, तुम्हें जो बोलना था बोल दिया, तुम्हारा समय समाप्त होता है। हम दोनों को पता है कि इसका अंत कैसे होगा, तुम्हें एवेंजर ज्वाइन करना है, ठीक है। दोबारा जब तुम आना अपने साथ थौर का थौर लेके आना। लोकी, ठीक है, क्या? लोकी, कुछ नहीं। स्टाफ, बढ़िया, तुम जैसे आए थे वैसे ही जा सकते हो। लोकी चौंकते हुए, मैं 42 फ्लोर एलिवेटर से आया था। स्टाफ, कोई नहीं, गुड बाय लोकी। नेगेटिव, मैं आते आते स्टार का फ़ोन ले आया। फ़ोन तो आजकल का सबसे बड़ा शस्त्र है, इसके बिना तुम कुछ नहीं हो। स्टार बिना, वो इंसान बहुत बड़ा पागल है, मुझे आश्चर्य है कि हम लोग दोस्त नहीं हैं। लोकी में बिल्डिंग से बाहर आता है, सामने एक उल्लू उसे घूर रहा होता है। लोकी, ऐसे क्या घूर रहे हो तुम चिड़िया, तुम यहाँ के लायक नहीं हो। नेगेटिव, वैसे मेरे पास एक चिड़िया थी। लोकी, स्टार की याद दिलाना, मुझे एक नई चिड़िया चाहिए। स्टार की, बिल्कुल। नेगेटिव, एक अंत, कितना मज़ा आता ना। लोकी और आयरन मैन मिले, कुछ तो बातें होती, लेकिन फिर अगर मैं उसे सब सच बताता तो
मैं नहीं रहता। बीता हुआ कल। थॉर जोर से हंसते हुए, एवेंजर ज्वाइन करना है? क्या बकवास है ये। क्या ये सिर्फ मेरे साथ होता है या सच में समय का अपना अलग दिमाग है? थॉर लोकी को, भाई तुम मेरी जान हो, सच में मैं तुम्हारे साथ कितना लड़ा हूँ और आगे भी लड़ूंगा। तुम लोकी हो, सारे जहाँ के हीरो, पर तुम लोकी हो और वो एवेंजर्स, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। थॉर जाते हुए, आभारी रहो, संतुष्ट रहो, तुम्हारा युद्ध समाप्त हुआ। हाँ कुछ दिन यहाँ एकांत में रहो, तुम्हें शायद सब सही लगने लगे। बहुत शानदार, ये रहा लोकी, किसी का देव नहीं, बस थॉर का भाई। तुम्हें हेमडाल की दृष्टि नहीं चाहिए ये समझने के लिए। तभी पीछे से आवाज आती है, वो झूठ बोल रहा है। लोकी चौंकते हुए, थॉर झूठा? ये बहुत अच्छा है, वो तो वैसे राजा हरिश्चंद है। यहाँ सिर्फ एक ही देव है और वो है समय। लोकी, वैसे तुम कौन हो? सवाल ये नहीं कि मैं कौन हूँ, सवाल ये है तुम कौन हो, देखना चाहोगे? नैरेटिव, शैतान से सौदा का तो पता है मुझे, पर यहाँ मैं हूँ जिसके पास सिंह है। आह भाड़ में जाए। लोकी, अब मैं क्या करूँ, किसी को पकड़ लूँ या भी? ये लाइब्रेरी है। लोकी कहीं गिरते हुए चिल्लाता है। नैरेटिव, ये सब बस एक पल का खेल है, कुछ पल कभी जिंदगी भर रहते हैं। मैं कांप रहा हूँ, बर्फीले जगह पे जो पैदा हुआ, मुझे पता नहीं कि मृत्यु क्या है, पर इतना पता है कि यहीं मरूंगा। मेरे हाथ मेरे द्वारा ही बंधी हुई है हमेशा के लिए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना दर्द की तो अब आदत सी हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि कैसे भी ये कहानी बदले। मैं तो एक बार अमेरिका का राष्ट्रपति भी रहा और एक बार कौवा भी रहा, मुझे प्यार हुआ, लड़ाई में मारा गया, ये सब जैसा मैं चाहता था। अब देखना है कि किस कीमत पर। तभी एक लड़की, स्वागत है लोकी तुम्हारा हाउस ऑफ आइडियाज़ में।